नमस्कार दोस्तों, खबर लरिया लाइव में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आए हुए हैं बमरा गांव में, तो यहां पूरे गांव का जो पानी होता है तो पूरा गांव का पानी इसी घर में जाते हैं। यहां 5-6 घर के लिए बहुत ज्यादा समस्या बनी हुई है कि पूरे गांव का पानी, सारा पानी घर में जाता है। तो जब बारिश होता है तो कच्चा घर है, गिरने का डर बहुत ज्यादा है, खतरा की निशानी बहुत ज्यादा है कि घर कभी भी गिर सकता है, लोग कभी भी दब सकते हैं। तो इस तरह से दिक्कत है कि यहाँ बड़ा सा नाला बन जाए तो इनके लिए समस्या दूर हो जाए। ये समस्या काफी दिनों से बनी हुई है, लोगों की मांग है कि बड़ा सा नाला बन जाए पानी निकलने के लिए, लेकिन अभी तक का कुछ नहीं हुआ है। तो आइए, हमारे पीछे ढेर सारी महिलाएं हैं, उन्हीं की बातों से सुनते हैं क्या क्या समस्या होती है, कब से ये समस्या बनी हुई है। समस्या बहुत दिन, क्या नाम है आपका? ममता। तो मतलब क्या समस्या, कब से बनी है, क्या दिक्कत है? हमें यहाँ 10 साल से इतने इतने पानी में घुस के पानी भरने जाते हैं, दुकान जाते हैं, गांव तरफ गए तो पानी में घुस के जाते हैं। और अगर मिट्टी न डाले ना बगल बगल घर के, तो सारा पानी अंदर घुस जाता है। और घर गिर जाएगा, मर जाएंगे, तो वो अच्छा है कि बताओ हम बाहर बैठे ना, वो ज्यादा अच्छा है। कितने घर के लिए समस्या बनी है? समझ लो 7-8 घर को बहुत समस्या है। और लोग तो पूरा दे दिए ऊपर से, अब सारा पानी हमारे घर तक इसी प्लाट में भर जाता है। तो सारे कच्चे घर हैं? हाँ। तो पूरे गांव का पानी आता है? हाँ, पूरे गांव का बहन यहीं से रहता है, पूरे गांव का पानी यहीं से जाता है। किस तरह से डर बनी रहती है रात में जब बारिश होती है? रात में यही डर रहता है कहीं गाँव गिर जाए कि हम मर जाए, उससे अच्छा बाहर बैठे रहे, बहुत अच्छा है। नाला बन बहुत बार, अभी नाला अभी बना है इस साल ठंडी में ना, हमने जब कहा था उधर का कौन देखता है, पहले यहाँ का बनना चाहिए। इंदा का ही दिन तो बताओ हम कहा कैसे, ना प्रधान ही सुना, ना तो कोई सुना, कौन साहब तो कौन ही सुनता है। बड़ी परेशानी रहती है। अबे देख ले दीदी, कीचड़ तो भरा है, इनका कम बड़ा पानी भरा जाए, इतना इतना पानी चला तो पानी भरा जाए, इनका कम मतलब रात में पानी भरा जाए तो मन एक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष देवी। क्या समस्या बनी है? अरे समस्या बनी है कि न रोड है न कुछ है, यह नाली के पानी पूरा गांव का हमारे द्वार से जाता है, इतने इतने भारी सड़क मुहारे में नाचत है। तो बताओ जो है सब नान नान बच्चा रात भी रात नहीं करेंगे, कीड़ा काट ले मर जाए तो क्या करेंगे। तो जब बारिश होती है तो घर की स्थिति क्या हाल होती है? स्थिति क्या होती है, इतना नाला भरा रहता है, आदमी उसी से निकलता है, और क्या करें? और घरों के लिए? घरों के लिए क्या, घरों में पानी जाता है। घर गिरने के लिए कितना डर बना है? घर गिरने के लिए थोड़ा डर बना है, बहुत बना है। कभी घटना हो सकती है? कभी घटना हो सकती है, कम से कम नाला बन जाए तो कम से कम पानी तो निकल जाए, आदमी झूर में कच्चा घर तो पा। अब यहाँ पर धान तो सुनते नहीं, ना तो कोई आदमी आवे, ना तो ये एक बम्बा है, तो पानी भर जा तो उतनी दूरी जा भर भर के। कहाँ से कहाँ तक नाला बनना चाहिए? नाला यहाँ से वहाँ तक बनना चाहिए। कितना किलोमीटर तक? कितना किलोमीटर होगा? ये तो दीदी नहीं मालूम तो कितना किलोमीटर है, देख लो। और कहा है नाला बन जाए तो कम से कम ये गांव का नरक तो एक तरफ से निकले, मुहारा से ना निकले, गंदा पानी भी आता है, गंदा पानी भी आता है, बीमारी फैलती है, बीमारी फैलता है। बोल रहा कोरोना आ गया, कोई कहता कोरोना आ गया, बस यही गंदा पानी कोई नहीं देखेगा, अब बीमारी बोलेगा, बीमारी बीमारी आ जाता है, ऐसा ही तो आएगी बीमारी। कोई गंदा पानी बच्चा खेलेंगे, गंदा पानी में जाएंगे तो बीमारी तो बढ़ेगी। अब इसमें चाहे बीमारी कोरोना बुलाओ, चाहे इसमें कह दो यह चीज है वो चीज है, भले अपना सरकार का तो सबका सुविधा देखना चाहिए, वो तो चार अंटा में बैठे है, यहाँ तो गरीब को तो बस ये वोट दो वोट दो। मन में तो सोचा कहे थी कि बहुत दूर तक। कितने साल से समस्या बनी है? ये समस्या तो बहुत साल से बनी, जब से 20 साल हो गई समस्या का, एक भी सरकार इसमें नाल नहीं है। ये मोदी वाला नाला आया कहीं नहीं आया, पानी में भर भर वहाँ जाओ उतनी दूर, देखो नल दिखा रहा कितनी दूर है, वहाँ जाओ यहाँ कभी नल नहीं है। दीदी उसी में घुस, ऐसा नल तो चाहिए चाहिए सरकारी, कुछ भी अंगे। जैसे घर के सामने नाला बहता है इतना बड़ा, तो बच्चों के लिए क्या दिक्कत होती है? अब बच्चों के लिए अब क्या दिक्कत रहते है, उसी में नाचते है, उसी में घूमते रहते है, पानी में गिरे पड़े किरोवा चाटे चाहे बीसी काटे, अब इसमें क्या पता कि अंदर क्या है, पानी में क्या दिक्कत है? पानी में तो यह है कि बच्चे खेलते हैं, अब पानी में किरोवा हो चाहे बीच में काट लेगा तो क्या करेंगे, आदमी तो भगेगा भगेगा।
अब इस समस्या को क्या बताएं दीदी। क्या नाम है आपका? रेशमा। तो क्या समस्या है आपका? हमारे पास बहुत समस्या है दीदी। हमारे घर में ये बारिश होती है पानी घुस जाता है और नन नन लड़का हमारे पास में और हम क्या करें? वो घर देखते हैं हमारे यही घर है वही और घुस जाता है पानी, कीड़ा भी घुस गया और नन नन लड़का है उसको हम अब लड़का बचाए कि हम घर बचाए? सारे गांव का पानी आता है, ये सारे गांव का पानी है। हमारा घर ये है, हमारा घर ये कच्चा है, यही डर है दीदी पानी घुस जाता है और हम अपन लड़के बच्चा बाहर बैठ जाते हैं रात में और कहाँ लड़के जाए, हम अपन बैठ जाते हैं और जब बच्चों बाहर बैठा देते हैं जो हम पानी टारते हैं घर से, इतना समस्या है। ये नाला बनवा बन जाए पानी जा लागे तो अच्छा रहा है। तो कभी प्रधान जी से मांग की? प्रधान से बहुत कर रहा है, कम से 20 साल से पानी बह रहा है इसलिए हमारा हर साल घर गिर जाता है, हम कितना बनाए। प्रधान से कहा कि यार हमको ये नाला बनवा दो और हमको घर भी दे, मकान भी हमका कॉलोनी दे दो, तो हमारी कोई नहीं सुन रहा है। तो जैसे आपके घर में पानी जाता है तो बीमारी भी फैलती है? बीमारी बच्चों महनी बीमारी है, हम रोज तो हनी डॉक्टर ही दिखता है तीसरे दिन भागते रहे, छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं और दिक्कत तो आ जाती है। ये पानी गांव भर के हमारे घर पास से आता है या तो फिर पानी की कहीं दूसरी जगह व्यवस्था है? दूसरी व्यवस्था है नहीं, ये नाला बन जाए तो ये पानी जा लागे, हमें यही समस्या है। तो ये देखिए दोस्तों, यही पानी पूरा गांव का पानी इनके घर के अंदर से जाता है, ये देखिए। और कच्चा घर भी है, गिरने का बहुत डर बना हुआ है, कभी भी गिर सकता है। तो इनका यही कहना है कि ये तो नाला बन जाए या तो फिर ये पानी पूरा गांव का जो है तो ये फिर हटा कहीं दूसरे जगह से निकाल करवाया जाए। देखो कितना बेकार है ये नाला, ये पानी गई हर साल गिर जाता है। ये वाला घर है हमारा घर है और नन नन बच्चे से हम परवाह नहीं हो पाते हैं, हम बच्चा को देखे कि हम घर द्वार देखे, इसको बन जाए ये नाला बन जाए तो हमारी दिक्कत दूर हो जाए। कोई सुन नहीं रहा, ना प्रधान सुन रहा, ना कोई सुन रहा। तो ये देखिए दोस्तों, देखिए किस पानी के घर के बगल से निकल रहा है और घर गिरने का भी डर है। ये देखिए दीवार फटी हुई है, कभी भी गिर सकता है, अंदर भी पानी जाता है, जब बारिश होती है अंदर पानी जाता है, ऊंचा ऊंचा हमारे भी लग जा रहा है, यहाँ सब भरा रहता है सब। वहाँ तक दिखा दे, ये आपका साफ ही समस्या है। यहाँ ये जो नाला है ये पूरा गांव का पानी आता है। आ जाइए बस यही 10 साल समस्या है, पूरे गांव का पानी यहीं पे आता है, यहाँ से पूरे घर घूमने ही वाला है और पूरा यहाँ पूरा भराव ले लेता है, पूरा रोड पूरा एकदम घाटी घाटी पानी जाता है। यहाँ सांप बिच्छू कल कितने पता नहीं कितने यहाँ से निकलते आते जाते, बच्चे गिरते नाली में, यहाँ बहुत दिक्कत हो रही है कभी 10 साल से, कोई यहाँ पे नाली नाला कुछ नहीं, ये खरंजा बन गया, थोड़ी सी नाली बना दी है, इससे कोई मतलब पानी निकलता ही नहीं है, पूरा सड़क दाब के जाता है। कल वो वाले घर में कल पानी घुस गया है, हमारे घर में एक सांप घुस गया है अंदर, ये ऐसा करवा दीजिए कि पूरा नाली सीधे जाके आगे नाला वो तो नाले में से। कितने घर के लिए समस्या बनी है? कम से कम 10-15 घर के है समस्या। 15 पानी आता कहाँ से है? ये पूरे गांव का पानी आता, उधर बाहर भी आता है आगे से, पूरा यहाँ आता है स्कूल तक का, उधर रहे ना पूरा गांव का पानी यहीं से आता है, यही समस्या है। अब ये समझ लो इतना ही पानी हमेशा ही बहता रहता है, इसे रोड फैलते मैं थोड़ा वहाँ खन दिया थोड़ा से पूरा 12 महीना। अब ये समझ लो लैट्रिन, ये साले देश कीड़ा मकौड़ा इसमें निकल के आते जाते हैं, तो बताओ इसमें दिक्कत नहीं है? पूरा लैट्रिन का पानी बहता है, पेशाब का नहाने धोने वाला पानी यही खरंजा है, पूरा रोड निकलता है पानी इसमें, ये बीमारी टाल तो वही है साहब, पानी नहीं निकल रहा तभी तो आज हो रही है पानी।
चलिए अपना अंदर दिखाएंगे। जहाँ से पानी निकल आ रहा है तो ये देखिए कई घर को परेशानी समस्या बनी हुई है। कुल पानी में बकरी बैठ गई, बकरी वहीं ताकुल भीजी है, पूरा घर हमार गिर जाते, कुल पानी में भरा है पूरा घर, ये हर साल ही गिर जाता, हम कितना बनाए घर हर साल। यही अब मेरे पानी भर जाते, लड़का ही बैठे रहे उसको बाहर कई के, तब नहीं हमें का उलझा पानी कुल बाहर किया, कीड़ा भी आ गया, नन नन छोटे छोटे बच्चे हैं नी, हमका बहुत डर लगता है। ये नाला बनवाई तुम बनवा दो, ये नाला कहनी कोशिश करो हमारा नाला बन जाए तो हमारे अंदर पानी ना आवे, ये का तुम बहुत जल्दी कोशिश करो। अब ये दीदी यहाँ आओ, यही साइड पर उनका देख कर चले आओ, यही पानी होगा, यह पानी सारा पानी देखो, सारा खजाना है, ये पानी यहाँ तक बहता है, यहाँ तक जाता है ना, तो यहाँ तक जाता है हमारे मकान, ऐसे गिर मैंने मकान गिरा दिया, पानी का तूफान गिरा है मकान, अब समझ आई, देखो नाली कहाँ, अब ऐसा बताओ कहाँ तक हम ऐसा करेंगे, अब यह हमारा मकान का शीशे से गिरा है पानी, पानी जा रहा था एकदम अंदर, ये कच्चा मकान हमारे घर मकान है, तुम्हारा तो वाला काम है ना, हमारा घर वो टूटे, हम बस हो गया भैया, हो गया हो गया, यही जगह है, यहाँ कोई जगह ना है, सीधे आता है पानी झटका मारता है, ये पूरा रोड फिर घर जाता है पानी, ये छोटी सी नाली से पानी आता ही नहीं, आता ही नहीं, पानी जरूरी है, इसका निकासी कहीं और करवा, इसका निकासी करवा दे, ये सब घर उसी पानी के चक्कर में गिर रहा है, ये इसमें कल पानी गई, ये सब यहाँ तक पानी अंदर गया, पूरा भर गया पानी, अगर बन जाए तो नाला तो सही रात दीदी ने तो कहा है कुछ नहीं है, और किसी के काम का कुछ हो जाए कीड़ा मकोड़ा का नाला बनाओ, प्रधान का पहुंचे वोट दे, सरकार का है प्रधान कहा है हम अपने से बनवा दे, एप्लीकेशन भाई दिन उठा के मैं एक दिन बस हो कोई सुनाई नहीं ना हो, ये हमारा घर हर साल ही दीदी गिर जाता है, हर साल ही हम कितना भाई, हम छोटे छोटे अपने बच्चे पाली कि हम घर हर साल ही बनाए बताओ, और ये हर साल ये पानी नहीं कोई यूज कर रहा है कि जाने को, कुल घर हमारा ये गिर जाता है, इनका कीड़ा घुस जाते हैं, कुल पानी आ गया, पानी नहीं करा पा रहा तो ये नाला जाए सड़क तोड़ रहा है, सड़क तोड़ भी जाए कभी नहीं, खाने जा रहा पानी मगर कीड़ा जा रहा है, तो यही भी अपना लाइफ समाप्त करती हूँ, ये समस्या काफी दिनों से बनी है, लगभग 20 साल से बनी है, कई प्रधान भी हो चुके हैं, बस वादा कर देते हैं कि हाँ बनवा देंगे, जब चुनाव होता है तब वादा करते हैं, जब जीत जाते हैं तो कोई देखता नहीं है, तो इस मोहल्ले में ये सारे गांव का पानी आता है, तो कच्चे घर बने हुए हैं इनके लिए बहुत ज्यादा खतरा है, क्योंकि कभी भी ये कच्चे घर गिर सकते हैं, कभी भी घटना हो सकती है, जबकि अपने छोटे छोटे बच्चे लेकर इन्हीं घर में ये लोग रहती हैं, तो काफी दिनों से समस्या बनी है, काफी दिनों से लोग मांग कर रहे हैं कि यहाँ नाला बन जाए, ये पानी की निकास कहीं और हो जाए, या तो नाला बने या तो पानी की निकास कहीं और करवाए, नहीं तो इनका घर हर वर्ष गिरता है, तो ये इतना पैसा कहाँ है किसी के पास कि हर साल घर बनवाए, तो इस तरह की इस गांव में स्थिति बनी हुई है, अभी तक का कोई अधिकारी ना कोई प्रधान ना कोई नहीं देख रहा, चुनाव के समय सब लोग देखेंगे कि हाँ वादा करेंगे, बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें करेंगे कि इस बार बनवा देंगे उस बार बनवा देंगे, लेकिन लोग समस्या से जूझ रहे हैं, तो यहीं पे अपना लाइव समाप्त करते हैं, अगले मुद्दे के साथ फिर से हाजिर होंगे, प्रधान कौन वोट दिए हैं, प्रधान कौन वोट दिए हैं।
तीन लोग खड़े हैं, हम उनके उनको ओढ़ दें कि वहाँ ओढ़ देने जाएं? जो अपने गांव में नहीं खड़े होंगे तो हम देंगे, पहले देते थे क्या दे दिए हमें? 25 साल से हम जान हम जानते हैं कि यहाँ रहते हैं, तो हमें क्या दे दिए? कुछ नहीं मिला, पांच प्रधानी कुछ नहीं मिली नहीं है तो कॉलोनी तो शौचालय एक बोरी सीमेंट में तीन तीन शौचालय बनवा देते हैं, प्रधान नाम कर देते हैं कि नहीं मिला शौचालय बना तो है छत गिरे वाली है, अब ऊपर देखे थे की बात किन्हें गिर जाए मर न जाए। मिला होता तो सरकार की बहुत दिक्कत है दीदी, हमें तक लैटरिन समेत न माता है न पिता है न भाई है न पति है, बताओ हमें नहीं कुछ मिलना चाहिए तो कहाँ कुछ दे रहे हैं हमें? एक हजार मांगते हैं, 1500 मांगते हैं, घूस कहते हैं दो तो कॉलोनी के लालच देते हैं।